नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेजेंटर, आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट राइट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कल भारी हिंसा देखने को मिली। दरअसल गोकशी के शक के चलते वहां ये हिंसा हुई। पुलिस और भीड़ के बीच पथराव हुआ, जिसमें एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, तो वहीं भीड़ का शिकार एक युवक भी हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गोकशी के शक के चलते शुरू हुई ये हिंसा आखिर खूनी संघर्ष तक कैसे पहुंच गई, इसका पूरी तफ्तीश से जानकारी दी है यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। तफ्तीश से इस बारे में जानकारी दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये घटना सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच हुई। दरअसल बुलंदशहर के थाना सयाना के मऊ गांव में गो अवशेष मिले थे, और जिसके चलते गांव के पूर्व प्रधान ने इस बारे में पुलिस थाने में जाकर इसकी जानकारी दी, वहां शिकायत दर्ज कराई, और जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जो गुस्साए लोग थे उन्हें समझाया गया, समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने वो अवशेष ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सयाना और गढ़ रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। हालांकि जब ये घटना हुई और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज की, तो पुलिस पर फायरिंग भी की गई। ग्रामीणों ने कट्टा निकालकर पुलिस पर फायरिंग की, और जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हो गई, उनके सर पर गोली लगी और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके से ये पूरी घटना हुई, और हालांकि सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर की इस घटना में मौत नहीं हुई है, बल्कि एक युवक ने भी गुस्साई भीड़ का शिकार बन गया और युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही एडीजी ने यह भी बताया है कि जिस दौरान ये भीड़ पूरी इकट्ठा हुई, वहां आसपास के 3 गांव के लगभग 400 लोग मौजूद थे। उस भीड़ ने वहां जो चौकी पर जो वाहन खड़े थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया, और भारी हिंसा कल बुलंदशहर में देखने को मिली, जिसमें एक पुलिस काबिल पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हो गई। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह भी बताया है कि फिलहाल एडीजी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और साथ ही अगले 48 घंटे में वो एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें शायद कुछ खुलासा हो जाए। फिलहाल गोकशी और हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई है और आगे की जांच और तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन इस पूरी हिंसा ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान ले ली, तो वहीं एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना की पूरी जांच चल रही है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या रुख इस पूरे मामले का होता है। फिलहाल और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली नाइट राइट।